हेलो दोस्तों, आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसन, आपने सुना होगा ये काफ़ी जैसन के बारे में, तो ये क्यों यूज़ होता है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसको हम कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एप्लीकेशंस में क्या होता है कि हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे। सपोज आपकी एक वेबसाइट है जो एक अलग सर्वर पर चल रही है और एक एंड्रॉयड ऐप है जो आप उसी वेबसाइट के लिए, एक एंड्रॉयड ऐप है जो आपकी फ़ोन पे चल रही है। तो आप क्या करते हो कि उस एंड्रॉयड ऐप से उस वेबसाइट के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करते हो। और एंड्रॉयड जो है वो अलग टेक्नोलॉजी पे बना है, लाइक जावा में बना है, और आपकी वेबसाइट PHP में हो सकती है। लेकिन जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वेबसाइट से ऐप के बीच में, वो क्या चाहिए कि वो आपकी वेबसाइट को भी अंडरस्टैंड होना चाहिए और जो आपकी एप्लीकेशन है उसको भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम फाइल्स भेज सकते हैं या XML भी हम यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हैवी होते हैं। तो हमारे पास एक वेरी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एक तरीका होता है जिसे हम जैसन बोलते हैं। तो जैसन जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। ये बेसिकली ये इंस्पायर्ड है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ये यूज़ होता है डेटा स्टोर एंड ट्रांसफ़र करने के लिए। बेसिकली ये इंटीग्रेट हो सकता है इजीली विद मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इजी टू रीड एंड राइट। तो हम समझते हैं इसको कि हम एक्चुअली करते कैसे हैं पाइथन में। मैं बात करूँगा कि हम इसे पाइथन में कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं पाइथन को। example.py ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक जेसन फाइल होती है, तो वो क्या होता है कि जैसे कि एक कोई जेसन फाइल है, तो इसमें क्या होता है कि पेयर होता है की एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पे की होगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी। उसके बाद क्या है कि एक और जैसे की वन है, ये की टू है, और उसके बाद उसकी वैल्यू होगी। तो वैल्यू होगी ओके। तो इस प्रकार से, और यदि हमको हमको चाहिए कि एक लिस्ट चाहिए, तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि हमारे पास यदि तो हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल टू ले लो, आप इसको एग्जांपल टू ले लो जो एक लिस्ट है, और उसके बाद जो है हम इसको ऐसे कॉमा सेपरेटेड डिक्शनरी के जैसे होता है, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार से, मैं आपको बताता हूँ आगे कि ये एक्चुअली हम करते कैसे हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से करते हैं, और ये हम पाइथन में कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें पाइथन लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। वो है इंपोर्ट जेसन ओके। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है एक जैसे एक डिक्शनरी बना लेते हैं हम। तो हमें डिक्शनरी बना लेते हैं जैसे कि, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने पहले से ही बनाया हुआ है ताकि टाइम थोड़ा खर्च हो इसमें ओके। तो इसमें आप क्या देखोगे कि एग्जांपल वन एक डिक्शनरी है जिसमें नेम की है उसकी वैल्यू है पृथ्वी, फेवरेट नंबर 7 है, इज नॉटी की वैल्यू ट्रू है, बुलियन भी हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, हॉबीज जो कि एक लिस्ट है, उसके बाद जो फ्रेंच है और फ्रेंच भी एक लिस्ट है, ठीक है। तो ओके या उसके बाद एक जो है पेच नन है। तो अभी क्या करते हैं कि अभी यदि इसको सेव कर लेते हैं, और यदि मुझे इसको जेसन की फॉर्म में देखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। और एक फंक्शन होता है हमारे पास जेसन डॉट डम्स ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसको प्रिंट करते हैं। तो एग्जाम्पल वन, यदि अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि देखो इसने जो है ये प्रिंट किया है, ठीक है, ये जेसन डेटा है। और यदि हमें पता कैसे करना हो कि ये जेसन डेटा है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि ऑनलाइन जेसन फॉर्मेट्स होते हैं,
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि एक जेसन फॉर्मेट हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओके, तो जेसन तो हम क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं, जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेटर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि उस जेसन को यदि मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यदि मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये काफ़ी मतलब एक रीडेबल फॉर्म में है, कि आप इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। आपके पास ये लिस्ट है, तो इसमें क्या नेम है, नेम है पृथ्वी है, फेवरेट नंबर है, उसके बाद जो है, तो एक जेसन फॉर्मेट में ये क्या है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा हमारे पास स्टोर है। और हमें क्या करना होता है कि एक एप्लीकेशन से जो हम दूसरे एप्लीकेशन पर डेटा भेजते हैं, तो हम इस जेसन फाइल को भेज देंगे, इसको हम राइट कर लेंगे जेसन फाइल में, उस एक एक जेसन फाइल को सेंड करेंगे, और जो भी रिसीव करेगा वो उस फाइल को प्रोसेस कर लेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम डेटा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, बट बहुत ही लाइट वेट और एक रीडेबल फॉर्म में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि बाकी हम क्या कर सकते हैं। दूसरा ये है, एक और तरीका है कि यदि मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, तो जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल टू लिए कि हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हम कह सकते हैं, और यदि हमें इसको अगेन हमें इसको करना है जेसन में कन्वर्ट, तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ और हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, जैसे कि ये है, एक होता है इंडेंट इक्वल्स टू 4। अब मतलब कुछ भी हम वैल्यू दे सकते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे कैसे एक लाइन में प्रिंट हुआ है, और यदि मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये हम देखोगे कि ये बहुत अच्छे से उसको थोड़ा फॉर्मेट कर देगा। आप देखो, इसने जो है, जब हमने इसकी इंडेंटेशन दी है, तो इसने उसको प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर दिया है। तीसरा एक हम और एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है कि शॉर्ट की इक्वल्स टू ट्रू। यदि मैं इसको ट्रू करता हूँ, तो देखो इसमें की क्या है कि पहले बेबी नेम है, फिर नंबर ऑफ टॉयज है, एंड देन हैज फ्रेंड्स है। तो हैज फ्रेंड्स जो है वो नंबर ऑफ टॉयज से पहले और बेबी के बाद में आ जाएगा, यानी ये जो कीज हैं शॉर्टेड फॉर्म में आएंगी। तो यदि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आउटपुट को, और उसके बाद जब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखोगे कि बेबी नेम आया है पहले, हैज फ्रेंड्स आया है, नंबर ऑफ टॉयज आया है। ओके, तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में है। यदि मुझे इस डेटा को राइट करना हो, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल ओपन कर लेते हैं हम, तो विद एक फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ओके, कहाँ पर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में हम कोई भी एक जे एग्जाम्पल हम बना लेते हैं, एग्जाम्पल डॉट जेसन फाइल। ओके, और इसको हमें ऑन ओपन करना है इसमें राइट मोड में, तो हम इसको राइट मोड में ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को डंप करना है, ठीक है। तो इसके लिए कमांड होती है जेसन डॉट डंप, और उसके बाद हमने जैसे एग्जांपल टू को डंप किया है, राइट। तो और इसको हमने डंप किया है एफ में। मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, ऑल राइट, मैं जब इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ना एक फाइल बन गई होगी,
जे एग्जाम्पल डॉट जेसन, क्या नाम था इसका, जे एग्जाम्पल डॉट जेसन। ओके तो अब यदि हम इस फाइल को ओपन करें तो ये जो है एक फाइल है। ओके तो ये वही जेसन, जे एग्जाम्पल डॉट जेसन फाइल, ठीक है। तो अब इसको क्या है, इसको फॉर्मेट करने का एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि इसको ऑनलाइन फॉर्मेटर्स यूज कर सकते हैं फॉर्मेट करने के लिए, या फिर मेरे पास एक बहुत बड़ी जेसन फाइल है, जैसे कि जेसन फाइल है, यदि मैं उसको ओपन करता हूँ तो मैं इसको ओपन करता हूँ, एक हमारे पास जेसन फाइल है, ये काफ़ी बड़ी फाइल है। इसको फॉर्मेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, किसी ऑनलाइन टूल की ज़रूरत होगी, पर इससे बेटर है कि मैं क्या करता हूँ कि एक पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ जो सबलाइन में बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट और पी करते हैं और एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल पैकेजेस, और उस पैकेज का नाम होता है प्रीटी जेसन। ओके तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यदि मुझे इसको प्रिटिफाई करना है तो मैं क्या करता हूँ, जेसन, और मुझे प्रीटी जेसन फॉर्मेट जेसन करना है। अब देखो ये ना बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो गई है, तो ये दिखा रहे, तो हमारे पास एक जेसन फाइल है। तो होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसमें कि जेसन क्या होता है, यूज कैसे करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।